आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और यहां पर निकाय चुनाव का रण की मतगणना लगातार जारी है और जो आंकड़े आ रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर सुकून की बात है, क्योंकि एक सुकून की नींद कर्नाटक में उड़ गई है। कर्नाटक जिस तरह परिणाम आए हैं वो सबको पता है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और यहां तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिठाइयां बांटना भी शुरू कर दी है। खैर, चुनाव है और जहां जीत होती है वहां पर मिठाई बांटनी भी चाहिए। बड़ी उम्मीद रहती है लोकतंत्र के महापर्व में अगर मिठाई नहीं बटेगी तो क्या होगा। खैर, पर यहां पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अगर निकाय चुनाव की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी को लाभ मिलता नजर आ रहा है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहां पर सुषमा खरकवाल जीत चुकी हैं, गाजियाबाद करें सुनीता दयाल जीत चुकी हैं, तमाम बड़े जो नाम थे यहां पर वो लगातार जीते चले आए। और राजधानी लखनऊ के बाद बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी तमाम ऐसे चेहरे जिन पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया था दोबारा टिकट देकर, उन्होंने भी जीत का स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी की मजबूत कड़ी है। अगर बीजेपी उन पर भरोसा दिखाएगी तो बीजेपी उनके साथ यहाँ पर न्याय करेगी, तो यहाँ पर वो भी बीजेपी के साथ न्याय करेंगे और अपनी जीत दर्ज कर बीजेपी के लिए राहत की सांस भी देंगे। खैर, सत्ता पे आसीन है और यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं भी चलती रहती है और चर्चाएं यहाँ पर ये भी है कि कौन और साथी यहाँ पर लाभ उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीत के दावे सबने किए थे, समाजवादी ने भी किए थे, कांग्रेस ने भी किए थे, आम आदमी पार्टी ने किए थे, सुभाषपा ने किए थे, तमाम लोगों को दावे थे कि इस बार हम निकाय चुनाव में चौंकाने वाले हैं। और फिलहाल चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर विपक्ष के लिए हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के लिए यहाँ पर राहत की सांस है और लगातार बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ जीत दर्ज कर अपनी चीजें स्पष्ट कर रहे हैं। खैर, चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक में नुकसान हुआ है और चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर निकाय चुनाव में जो उम्मीद जताई जा रही थी उस उम्मीद पर बीजेपी कायम है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता द्वारा पहले भी डिबेट में, प्राइम टीवी डिबेट में तमाम तरह कहा गया कि बीजेपी 17 नगर निगमों में 17 की 17 जीतने जा रही है, पर अगर हम आंकड़ों की बात करें या बढ़त की बात करें तो लगभग 3 से 4 सीटें जीत चुकी है और बाकी जगह बीजेपी बढ़त पर है। मैं मेयर की बात कर रहा हूँ। तो चर्चा में से महत्वपूर्ण है हमारे साथ मेहमान जो की रूबरू करा दूँ, प्रवक्ता भाजपा से देशबंधु रिचर अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से बेनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से उनके फार्मर प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार रूप में अमर साबरी अपनी बात रखेंगे और प्रवक्ता रालोद से वेद प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से, देशबंधु भाई कैसे देखते हैं महत्वपूर्ण चुनाव है और महत्वपूर्ण चुनाव के बीच में यहाँ पर जिस तरह से कर्नाटक में नुकसान हुआ वो नुकसान की चर्चा भी जरूरी है, साथ ही साथ निकाय में यहाँ पर लाभ मिलता नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं? प्राइम टीवी के सभी श्रुति दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को आज मैं सर झुका के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और जैसा कि आप मीडिया बंधु और सभी शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और जैसा कि रुझान बता रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ों जनमानस के आशीर्वाद की जीत है। आज जनता जनार्दन ने पुनः हमें आशीर्वाद देके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है और रुझान प्रताप बता रहे हैं। देखिए, अभी तक भारतीयों पर यह आरोप भी लगता था कि हम केवल शहरों की हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे गौरव भाई आज यह चुनाव परिणाम के ये आंकड़े बता रहे हैं, न वरन की ना कि हम नगर निगम को छोड़ के, नगर निगम में तो हम क्लीन स्वीप कर ही रहे हैं, 16 पे आपके आंकड़े बता रहे हैं और जैसा कि चैनल में देख रहा हूँ एक पे बसपा है जी। और उसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत में भी देखिए हमारा प्रदर्शन उम्मीद से भी बहुत ज्यादा, हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, कहीं भी विपक्ष नहीं है। अच्छा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को कोटि कोटि पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, आप मीडिया बंधु शासन प्रशासन और अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी को और संगठन महामंत्री और पूरी भाजपा की एक एक कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत और आप सभी के जनमानस के आशीर्वाद से आज हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दिशमनु भाई, पर यहाँ पर आरोप भी लग रहा है धांधली के, कल भी अखिलेश यादव ने एक लेटर जारी किया था और उनके सचेतक मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था कि धांधली की जा रही है, लोकतंत्र के महापर्व की यहाँ पर और अवहेलना की जा रही है और यहाँ पर जानबूझ के विपक्ष को हराने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव आयोग मूर्दर्शक बना हुआ है। नहीं गौरव भाई, देखिए मैंने आपसे पहले कहा था
कर्नाटक में अभी आपने चर्चा की, जब जब चुनाव विपक्ष जीत रहा होता है तो वहाँ सब ईवीएम ठीक रहता है, शासन प्रशासन चुनाव आयोग ठीक रहता है, कांग्रेस का, और जहाँ पर हार जाते हैं वहाँ पे ठीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ा जाता है, दूसरा सत्ता के दुरुपयोग का। लेकिन आप बता दीजिए, कहीं भी हो, चाहे शहर की जनता हो चाहे गाँव की जनता हो, ये आंकड़े जो दर्शा रहे हैं यह इस बात का द्योतक है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय निकाय चुनाव में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में सरकार आ रही है जी। और यह हमारे मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की और भाजपा की नीति है जिस पे जनता जनार्दन बार बार मुहर लगा रही। अच्छा, देखिए जनता जनार्दन अब कर्नाटक में बोल लीजिए, नहीं आप अगर इस बात पे गौरव जी कह रहे हैं, कर्नाटक में भी, कर्नाटक में भी मैंने आपसे कहा था आंकड़े लगभग 1:30 बज रहे हैं और आप देख रहे होंगे जो सुबह परिणाम आ रहे थे जैसे दिखा रहे थे एक तरफा जीत। अच्छा, वहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष परिणाम चाहिए आपको, हार गए वहाँ पर। सुनिए सुनिए, अभी हमने आपको बताया था हम वहाँ कुछ सीटें पीछे चल रहे हैं लेकिन हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिस हिसाब से वो कह रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, गौरव बात इस बात से सहमत होंगे कि हो सकता है कुछ एक जगह पे 15-20 सीटें, आप जो 25 सीटें दिखा रहे हैं 27 सीटें पीछे चल रही हैं, आंकड़े आपके चैनल पे प्रदर्शित हो रहे हैं। अभी अंतिम परिणाम आ जान दीजिए, अंतिम परिणाम आएगा तो हम वहां भी एक अच्छी स्थिति में रहेंगे और हमें मालूम है कर्नाटक की भी जनता जनार्दन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता के जनमानस को आशीर्वाद देके वहां भी जीत की तरफ अग्रसर करेगी। ठीक है, प्रवक्ता सपा रमन भाई, भाई कैसे देखते हैं तमाम तरह के रुझानों को, क्योंकि अगर नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर तो आप नुकसान में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हम 17 की बात करें तो 198 नगर पालिका में समाजवादी पार्टी ने 45 जीत दर्ज की थी और फिलहाल यहाँ पर 35 पर बढ़त दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 10 सीट का नुकसान होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसान की बात है क्योंकि यहाँ पर ये जो चुनाव है 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। तो वहीं अगर बात करें मेयर की, 85 आपने उतारे, अच्छे 85 उतारे आपके द्वारा भी इस बार, पर जो स्थिति लग रही थी उसके ऊपर यहाँ पर जो जनाधार है वो बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, चार जगह जीत गई है और बाकी जगह बढ़त पर है, तैयारी कम रह गई या शीर्ष नेतृत्व द्वारा यहाँ पर देर से सभाएं की गई, जनसभाएं बाद में की गई, रोड शो बाद में किए गए, क्योंकि उस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश दौरे पर भी गए थे और कर्नाटक दौरे पर भी गए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिसका नुकसान यहाँ उठाना पड़ रहा है। देखिए इसका तो जो आकलन होगा बहुत ज्यादा ही आ रहा जी, ये तो फाइनल परिणाम निकलने के बाद होगा जी, कमी कहाँ रह गई है जी, अब तक के आंकड़े हमको संतुष्ट नहीं करते हैं। अच्छा, जो हम अपेक्षा लेके चल रहे थे उस तरह के आंकड़े अभी तक नहीं आए। अच्छा, लेकिन अभी 3 घंटे का बाकी है और मुझे लगता है कि मेयर की सीटें पे तो मैं नहीं दावा कर सकता हूं जी, लेकिन अन्य सीटों पे हमारे परिणाम निश्चित रूप से 2017 से अच्छे ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन जो हम अपेक्षा कर रहे थे अभी भी वो बात है कि उस प्रकार के परिणाम हमको नहीं मिले हैं जी, तो उस प्रकार के परिणाम क्यों नहीं मिले जी, ये तो जब पूरी कोर कमेटी बैठेगी और फिर हमारे टोटल कार्यकर्ता बैठेंगे तभी उस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, तभी किसी प्रकार का कोई फाइनल डाटा उपलब्ध नहीं है। रमन भाई, फाइनल डाटा उपलब्ध नहीं, पर तब भी थोड़ा सा एक आपका आकलन क्या बोलता है, प्रचार में कमी रह गई, जल्दबाजी कर गए, टिकट वितरण में दिक्कतें रही, समस्याएं क्या रही, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव था और सबने कहा था कि यहाँ पर हम बेहतर करेंगे, बीजेपी ने कहा था और आप मुख्य विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी द्वारा लगातार कहा था कि इस बार हम चौंकाने वाले परिणाम लाने वाले हैं समाजवादी पार्टी द्वारा, पर जो परिणाम आए हैं वो आपके पक्ष को फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से कमजोर करते नजर आ रहे हैं जी। मैंने ही कहा था इस बात को जी, इस बात की हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे जिस प्रकार के परिणाम हैं जी, लेकिन निश्चित रूप से मेयर में तो नहीं है जी, लेकिन अभी नगर पालिका में और नगर पंचायत में जी हम लगातार संघर्ष में बने हुए हैं और अभी प्राथमिकता है कि जो हमारी पिछली उपलब्धि थी जी वहां तक पहुंच जाए, वास्तविकता यह है कि जो अभी दर्शाया जा रहा है अभी हम पिछली उपलब्धि तक नहीं पहुंचे हैं जी बिल्कुल, लेकिन जब तक फाइनल टैली नहीं आ जाएगी अच्छा
नगर निगम के लिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि नगर निगम की अब फाइनल टैली भी नहीं भी आती है जी, तो तब भी वही परिणाम रहेगा जो पिछली बार रहा। ठीक ठीक है 2017 में। ठीक है ठीक ठीक है। प्रवक्ता रावल नगर पालिका अध्यक्ष के लिए जी, और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए हम टैली की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम जरूर एक समीक्षा करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की हमें अपेक्षा थी वैसा नहीं आया। रमेश भाई एक समस्या और भी, आप सवार और छानवे भी हार गए, दोनों उपचुनाव भी हार गए, आप ये भी आपके खतरे की घंटी है। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हार पर मुस्कुरा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि गलतियां हो गई कुछ? नहीं, अब वो उसपे बोलना फिर ये होगा। 21 साल बाद आपने गैर मुस्लिम चेहरे को वहां पर टिकट दिया था, 21 साल बाद अनुराग चौहान को वहां उतारा था और अनुराग चौहान वहां हार गई है, सफीक अहमद अंसारी जीत गए हैं, छानवे भी हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह बात है। रवीन भाई इस पे बोल दीजिए। नुकसान जी, नुकसान दो तरीके का है। और इस दौरान एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे सामने आई है, यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे हैं, आगरा मेयर सीट पे बड़ा फेरबदल हुआ है, आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, आगरा में बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है। अभी तक हम देख रहे थे आगरा में बहुजन समाज पार्टी बढ़त में नजर आ रही थी, पर यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है इलेक्शन में, यहाँ पर आगरा से बड़ी खबर है, बीएसपी बीजेपी को टक्कर दे रही थी और फिलहाल 10 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहा है, तो यहाँ पर आगरा से बड़ी खबर आ रही है मेयर पद के लिए। अभी तक की अगर हम बात करें तो रुझानों में यहाँ पर बीएसपी आगे चल रही थी, बीजेपी पीछे चल रही थी, पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बना ली है और ये बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर आगरा से आई है। और आगरा मेयर सीट में अब तक का बड़ा फेरबदल यहाँ नजर आ रहा है, अब तक यहाँ पर बीएसपी आगे चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही थी, फिलहाल यहाँ पर बढ़त मिलती बीजेपी को नजर आ रही है। डिबेट पटवाल लौटते हैं जी, रमन भाई जी, रमन भाई बोलिए। छानबे और निश्चित रूप से हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं है आंकड़े जी, आप उसमें हम समीक्षा के बाद ही कुछ बता पाएंगे जी, अभी कुछ किसी प्रकार की बातें करना अनर्गल आरोप लगाना होगा। ठीक है ठीक है। और अभी टैली आएगी तो उसके बाद हम कुछ जारी करके कुछ ना कुछ बयान जारी करके बताएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पर आपको आकलन लंबा करना पड़ेगा कि सवार छानबे भी करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं निकाय पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, देख पाए मिश्रा प्रवक्ता आरएलडी बेर भाई, भाई आपका सहयोगी दल यहाँ पर दो उपचुनाव हार गया है और निकाय चुनाव में भी स्थिति आपके सामने है, क्या लगता है कमी कहाँ रह गई? क्योंकि अगर खतौली की बात करें तो वहां पर संयुक्त प्रत्याशी बदर भैया जीत कर आए थे उपचुनाव में और ये राहत की सांस थी आपके गठबंधन को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर और रालोद को लेकर, पर यहाँ पर जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है सवार में, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है आपके लिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट थी वहां पर और मुस्लिम बहुल सीट पर अगर हारे हैं तो कहीं चिंता वाली बात है जी। भाई अभी तो के इस विषय पर हम जल्दबाजी में कोई बयान जारी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका मूल्यांकन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो लोग बैठ करके करेंगे, उसके बाद में इस विषय पर हम आपसे चर्चा कर सकते हैं जी। जो परिणाम आया है वो संतोषजनक नहीं है जी, इस पर हमें चिंतन करना होगा, ये भी बात सही है, जी। है लेकिन जनता का जो जनादेश है जी, उसका सभी को सम्मान। अच्छा, रही बात नगर निकाय चुनाव की जी, तो नगर निकाय चुनाव हम जी और अभी चुनाव परिणाम अंतिम दौर में नहीं आया है, इसलिए इस पर अभी कोई नहीं दे सकते आपको कि कहां हमारी स्थिति क्या है जी, लेकिन हम लगातार संघर्ष में है और हमें उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमें बढ़त मिलेगी। बेर भाई एक सवाल मेरा आपसे है, आपने कहा कि भाई परिणाम सामने नहीं आए हैं, पर मैं देख रहा था कि सवार और छानवे सीट पर, सवार की बात करें पश्चिम की सीट है, तो वहां पर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रचार करते नजर नहीं आए। मुझे उम्मीद थी कि शायद अगर गठबंधन के साथ ही प्रचार बेहतर करते तो कुछ लाभ यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि आपकी भी बहुत आयत वहां पर है। जो मेहनत मदन भैया के लिए की गई थी जी, हमारे सारे कार्यकर्ता जितने भी वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थे वो लोग वहाँ काम कर रहे थे बाकायदा, और कहीं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी थी
कि माननीय जयंत चौधरी नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से वो अलग विषय है। सेना अलग बात है, सेनापति जरूरी है मेरे भाई, बिना सेनापति की सेना क्या करेगी, सेनापति जरूरी है। जयंत चौधरी मदन भैया के लिए पहुंचे थे, घर घर वोट मांगे थे, परिणाम सामने आपके सामने है, स्वार में क्यों नहीं मांगा गया, क्या दिक्कत है, गठबंधन में दरार आ गई क्या, मैं तो पूछ रहा हूं केवल, बता दीजिए। गठबंधन में कोई दरार नहीं है, हम लोग साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं, साथ साथ संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, आप वहाँ चुनाव में नहीं पहुंच पाए वो विभिन्न कारणों से, कुछ इस रूप में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस नाते उनका थोड़ा बाहर अच्छा जी, था जी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से माननीय जयंत चौधरी की वहां ना पहुंचे हो या कोई राजनीतिक कारण जी, ऐसा कोई नहीं। मुझे तो एज ए मीडिया मुझे तो ये लगता है कि जैसे 96 और स्वार पे बाकोबर दे दिए, ठीक है कोई बात नहीं। विनोद सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद भाई कैसे देखते हैं भाई, यहाँ पर आपके लिए एक खुशी की बात, कर्नाटक है तो उत्तर प्रदेश में निकाय में आप कुछ बेहतर कर नहीं पाए, उम्मीद भी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी आपका शीर्ष नेतृत्व का नेता प्रचार करने नहीं आया, शायद पहले ही बाकोबर दे चुके थे कि इस बार निकाय पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है 24 को लेकर, ध्यान देना है कर्नाटक को लेकर, और सारे नेता वहीं गए और स्थिति सामने भी आई है, निकाय चुनाव में बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर नहीं आए। लीजिए बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग बता दूं आपको, और ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद पर जीत हासिल कर ली है, गिरीश पति त्रिपाठी वहां जीत गए हैं, कहीं ना कहीं बड़ी खबर यहाँ पर मेयर के लिए है, क्योंकि आपको बता दूं कि ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटने के बाद अंदरूनी कलह की वहां बात चल रही थी, पर फिलहाल अंदरूनी कलह वहां पर साबित नहीं हो पाई है और बीजेपी गिरीश पति त्रिपाठी वहां जीत गए हैं और अयोध्या में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। अयोध्या जिसको लेकर लगातार, आध्यात्मिक नगरी को लेकर लगातार बीजेपी सजग रहती है, दीपदान भी होता है, रामलीला भी होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं और भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट काटकर अंदरूनी कलह हो सकती है जिसका लाभ अन्य पार्टी को मिल सकता है, पर फिलहाल लाभ नहीं मिल पाया है, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी गिरीश पति त्रिपाठी ने जीत दर्ज कर ली है। खैर विनोद सिंह, हम अपने सवाल पर वापस लौटेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो कर्नाटक की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये चुनाव एक तरीके से जैसा आपके मीडिया बंधु या सब लोग सेमीफाइनल 2024 का सेमीफाइनल के रूप में देख रहे थे जी। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर जी एक देश ने मन बना लिया है, सम्मानित जनता ने अपने जागरूकता का लाभ लेते हुए इस झूठ, इस दंभ, सत्ता के अहंकार में चूर सरकार को जवाब देने का काम किया है। अच्छा। और चुनाव के समय किस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, उस सब पर करारा जवाब देते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, जिस बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, व्यक्तिगत तौर से मैं उस सभी सम्मानित जनता का बार बार अभिवादन और धन्यवाद करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश के साधन संसाधनों का दुरुपयोग करके केवल अपनी हल्की सस्ती राजनीति को आगे बढ़ाया, भारत के भविष्य को अंधेरे में रख के जिन्होंने अपना एजेंडा चलाने का काम किया, केवल हिंसा, लाठी, गाली, गोली की बात की, उन सब पर करारा जवाब है। नई बयार बह गई है, ये बयार चली है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की भावनाएं, लोगों की चुनौतियां, लोगों से सरकार किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, किस प्रकार से जन सरोकार के मुद्दों को कोई नेता, कोई पार्टी अगर उठाने का काम करती है, प्राथमिकता देती है, तो हर यत्न प्रयत्न करके उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ताले पर। बड़ी खबर आपके सामने और ला रहा है, प्राइम टीवी लगातार आपको चुनावी अपडेट से मुहैया करा रहा है। रहानपुर में निकाय चुनाव में भाजपा की जीत हो गई है, जैसा कि मैं बता रहा था कि मेयर पीट पर लगातार बीजेपी जीत रही है, और सहारनपुर से बड़ी खबर आई है, सहारनपुर मेयर सीट पर भाजपा की जीत हो गई है, कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए नुकसान की बात है, तो बीजेपी के लिए ये कमिटमेंट की बात है। बीजेपी ने कहा था कि हम लगातार मेयर जीतेंगे, और बीजेपी के अजय कुमार सिंह यहाँ पर सहारनपुर से मेयर सीट पर जीत गए हैं और परचम लहरा दिया है सहारनपुर में भी बीजेपी का, और ये बड़ी खबर बीजेपी के लिए है, जनता के लिए और शायद विपक्षी पार्टियों के लिए है। बीजेपी लगातार 17 नगर निगमों में जो मेयर सीट है वो लगातार जीती चली आ रही है। वापस डिबेट पे आते हैं, विनोद कुमार सिंह अपनी बात रखिए।
और देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में, इनकी विश्वसनीयता के बारे में, इनके सफलता के दर के बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा। बहुत निराश किया है इन्होंने जनता, इनके चेहरे पर, सवाल बातों पर विश्वास नहीं करने वाली। जी, एक सवाल मेरा ले जाएगा, आपने बहुत अच्छी बात कही, सबसे पहले आपने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद किया, उत्तर प्रदेश जनता को क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की भी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उसको धन्यवाद कहेंगे? बिल्कुल, देखिए देश की सम्मानित जनता हमेशा धन्यवाद की पात्र है, जनता जनार्दन है, हम उसके आगे नतमस्तक हैं। मैंने कहा बयार बह चुकी है, बयार कर्नाटक बह गई, उत्तर प्रदेश नहीं। नहीं, देखिए हर जगह धीरे धीरे बनेगी, अब लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इसमें बहुत सारे खेल। तो आप मानते हैं कि आपने बाखोबर दिया है? आज ऐसा दिन है, मैं कोई बहुत जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, सभी जिम्मेदार नेताओं और दूसरे दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को बार बार समय समय पर उजागर करने का काम किया है। वह किसी भी स्थिति में जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करते हुए उस पर बात करेंगे हम लगातार। कर्नाटक एक उदाहरण है, हम आगे रहते बात करते रहेंगे, जनता की बात करेंगे, जन अधिकारों की बात करेंगे, जन सरोकार के मुद्दों की बात करेंगे, जनता के सम्मान की बात करेंगे, जनता की स्थिति बेहतर कैसे हो ये हम रोल मॉडल देने की। दो सवाल मेरे, मैं पूछूं सवाल जी, कर्नाटक में बजाय क्या रही कांग्रेस के लाभ की और उत्तर प्रदेश में बजाय क्या रही हार की? देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, लूटखोरी, कमीशनखोरी, ये वैमनस्य फैलाने वाली हिंसा वाली राजनीति, संसाधनों का दुरुपयोग करने वाली राजनीति के खिलाफ। अच्छा। एक ईमानदार, एक मेहनतकश आवाज, एक जनता और किसानों के बीच की आवाज बनाने वाली राहुल गांधी जी ने जिस निश्चल, जिस मनोभाव से, जिस स्वार्थ रहित भाव से उन लोगों की आवाज बनने का काम किया था, तो इनके सारे आडंबर, सारे स्वांग, सारा महिमा मंडन, सब मिथ्या प्रचार, सब धरा का धरा रह गया। जनता व्यवहारिक तौर से, मौलिक रूप से आगे आई और प्राकृतिक रूप से उन्होंने कहा कि हमारी मन की बात कौन कर रहा है, हमारे भविष्य के प्रति सचेत कौन है, इसलिए उन्होंने हम पर इतनी बड़ी जीत निगाह पे बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने वो हर संभव प्रयास किया निगाह पे बोल दिया कर्नाटक की जनता का जनादेश। ठीक है, खुशी आपको, खुशी आपको, लेकिन नजर आ रही खुशी मेरे को, प्राथमिक तौर से कांग्रेस, अब हमारा कांग्रेस पार्टी का फोकस था कर्नाटक, कर्नाटक में हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, इन जुल्मी विचारधारा, ये बांटने वाली विचारधारा, ये स्वयंभू जो नेता बने हैं, जनता की सरकार में आके जनता को केवल इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक है, और कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किसी भी स्तर पर करेंगे, इन सबको अब इनको लगाम लग जानी चाहिए। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे हैं, ये जन भाव को एज इट इज पहुंचाने का काम शीर्ष नेतृत्व को करेंगे, और शीर्ष नेतृत्व ने जो अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो दी है, ये लोकसभा चुनाव आते आते ये बहुत, मुझे लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस को यहाँ लाभ और निकाय चुनाव में नुकसान, भाजपा को आपको पता है आंकड़े आपके सामने हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ नुकसान में रही है और आरएलडी भी यहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर पाई है, गठबंधन के रूप में, निजी पार्टी के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े आ रहे हैं वो नुकसान करने वाले। जी बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए उत्तर प्रदेश का जहाँ तक मामला है, कर्नाटक का तो इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ की जनता को मैं ये तो नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की जनता में अक्ल नहीं है या उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ है, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री के हम तो नौकरी देना चाहते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षित ही लोग नहीं है, तो ये तो सब मैं नहीं कह सकता। बहरहाल आंकड़े सामने हैं, पूरा रिजल्ट सामने है। कर्नाटक की जनता को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया। देखिए गौरव जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर चुनाव मुद्दों पर हुए ही नहीं। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुद्दे उछाले और वो कामयाब रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही चाशनी हिंदू मुस्लिम की चली और सर चढ़कर बोली, और इस हिंदू मुस्लिम की चाशनी में विशेष तौर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने खूब डुबकियां लगाई। कुल मिलाकर रिजल्ट आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। और जहां तक कांग्रेस की बात रही, हमारे विनोद भाई कह नहीं पा रहे थे, बात मैं कह देता हूँ, बल्कि हमारे वेदपाल भाई भी नहीं कह पा रहे थे, वो भी मैं बात दोहरा देता हूँ।
कि कांग्रेस के कोई बड़ा नेतृत्व, कोई शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में उतरा ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से कांग्रेस की दशा हुई जी। कमोवेश यही हाल बसपा का भी रहा कि बसपा प्रमुख भी इस चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में नहीं उतरी, इसकी वजह से बसपा जी धरातल पर रही जी। अब आ जाइए, अभी हमारे वेद प्रकाश भाई ने एक बात कह दी कि जब आपने सवाल किया था कि जयंत चौधरी क्यों नहीं गए और क्यों या बुलाया नहीं, क्या कारण रहा, तो देखिए जो लोग अहंकार में डूबे होते हैं गौरव जी, वो ये सोचते हैं कि बस जो कुछ है हम ही है और हम सब कुछ कर लेंगे। जैन जी बहुत रिजर्व रह के काम कर रहे हैं और अपनी इज्जत को भी संभाले हुए हैं। सच बात ये है, अभी आपने एक बातों बातों में एक बात कही थी कि इन्होंने स्वार में वॉकओवर दिया, गौरव जी बात बिल्कुल आपकी 100% बिल्कुल सही बात है, सही बोला, वहां वॉकओवर दिया है, बिल्कुल दिया है। अब रहा सवाल नगर निकाय चुनाव में, तो आपको याद होगा पिछले मेयर में 16 में से 14 बीजेपी थी, 2 बहुजन समाज पार्टी के जीते थे, जिसमें 4 बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पर रही थी, 4 पर कांग्रेस नंबर, भारतीय वो समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी और 5 पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी। लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं किसी का खाता भी नहीं खुलने का उम्मीद दिख रही है, बिल्कुल सही बात है। तो स्थिति ये है, अब बाकी जो जैसा कि अभी तक होता आया है कि आफ्टर चुनाव ईवीएम पे ठीक रहा, सारा ठीक रहा जी, ईवीएम की वजह से हम हार गए। अभी रविंद्र भाई बोले नहीं ईवीएम पे, अभी रविंद्र सिंह ईवीएम पर नहीं बोले भाई, ये बात कही थी जी, अभी रविंद्र भाई नहीं बोले ईवीएम उपचुनाव बाद ईवीएम पे सर ठीक रहा बोलना अच्छी बात नहीं है। आप पहले से इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, चुनाव आयोग को लिख के दें कि हम चुनाव अगर होगा ईवीएम से तो नहीं लड़ेंगे जी। अभी आप देखिए नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का भी रिजल्ट आपके सामने है और ईवीएम का रिजल्ट आपके सामने है, मेयर का भी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ लगता है कि गड़बड़ घोटाला हो रहा है। और रहा सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बना हुआ व्यक्ति, कर्नाटक में द केरला का फिल्म का प्रचार कर रहा है, उसके माध्यम से वोट मांग रहा है बजरंग बली। बताइए कांग्रेस ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आई कांग्रेस तो पीएफआई और बजरंग दल पे बैन लगेगा, लेकिन किस तरीके से मान्यवर, अरे मान्यवर, मैंने आपसे पहले कहा था चुनाव परिणाम के दिन इधर कुआं इधर खाई और बीच में फंसे कांग्रेस सपा भाई, आप लोग जब गड़बड़िया लड़ा के, मैंने पहले भी कहा था, अनेकों बार कहा था, प्रदेश की जनता का अपमान किया, कभी भी कम से कम आज तो कम से कम खुले मन से स्वीकार कर लीजिए कि जनता लेकिन ये हिंदू मुस्लिम से रगड़ के बात करें, होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अभी आप देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव अति घोषणा पे लड़ा गया है। गौरव जी मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, आप बड़े चैनल बैठते हैं, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, आप बताइए कि अति अशरफ के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके के मुद्दे नहीं उठेंगे, लेकिन बावजूद इसके कि इनके हिंदू मुस्लिम मुद्दे से ये बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं। हम तो कहते हैं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 साल में, उत्तर प्रदेश सरकार में 6 साल में जनता के लिए क्या किया, इसकी जवाबदेही गौरव जी इनको देना पड़ेगी, आज नहीं तो कल। फिर लोकसभा के लिए खतरे की घंटी है, नहीं माना जा सकता। इसलिए आपको याद होगा कि केजरीवाल ने प्रचंड बहुमत सरकार बनाई थी और उसके बाद लोकसभा में साफ हो गए, एक सीट मिला पाए थे, तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये सेमीफाइनल है, ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन गुप्ता गौरव जी अब ऐसा भी नहीं है कि आमिर भाई स्थानीय निकाय, आमिर भाई मेरा सवाल रहेगा आपसे, मैं देशबंधु भाई को लेता हूं, ये पॉसिबल नहीं है, आमिर भाई नहीं है गौरव, आमिर भाई रविंद्र भाई बोल रहे थे सपा के चीजों का आकलन होगा जो नुकसान हुआ है, आवाज नहीं आ रही गौरव जी, आमिर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है, हेलो जी आवाज आ रही है मेरे को, मेरी हेलो जी आमिर भाई आपको मेरा आवाज आ रही है, हेलो शायद संपर्क टूट गया है, देशबंधु भाई अपनी बात पूरी करिए, आमिर भाई संपर्क जोड़ा जाए जी, गौरव जी थोड़ा सा समय मुझे भी दीजिएगा, बिल्कुल समय आपका है, धैर्य पर सुना जी, मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र लोग भी थोड़ा धैर्य पूर्वक जी, अभी चैनल पे मतलब बहुत दुख के साथ भेजना कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ऐसे अपशब्द कहना जी, अरे आज तो कम से कम ऐसा दिन है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए, और आप एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे थे, मैं यह बात अनेकों बार बैठा हूँ गौरव जी आप प्रतिष्ठित समाचार, मैंने यह बात कही थी कि देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन का फैसला अंतिम फैसला होता है, और आज जनता जनार्दन के मुद्दों में अभी बात बार बार हमारे सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कर्नाटका चुनाव की बात कर रहे थे, अरे आप बता दीजिए यही उत्तर प्रदेश का एक जिला आप भी जानते हैं गौरव भाई, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं
अमेठी और रायबरेली है जी, क्या यहाँ सुध लेने नहीं आ सकते थे? बड़ी आवाज और कौम की बात कर रहे थे, कुछ मित्र हिंदू मुस्लिम और क्या क्या दुनिया भर का। आज क्या अमर भाई बात कर रहे नहीं थे, आप हाँ। आज चैनल पे क्या इसकी समीक्षा करने बैठे हैं? अरे एक आवाज उत्तर प्रदेश भी बैठे थे, इनकी पार्टी की एक शीर्ष नेता है श्रीमती प्रियंका वाड्रा, कहता है कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कभी यहाँ पे भी आके कांग्रेस का उत्साह बढ़ा के कह देती कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कभी कमरे के अंदर एसी में बैठ के ट्विटर उत्तर प्रदेश का एक भी आदमी एक भी कांग्रेस का नेता उतरा नहीं। जनादेश को यह बता दूं के नाते 27 वर्ष हो गए जिस प्रकार से कांग्रेस समाप्त होती है, और यह एक ऐसी पार्टी है आपको प्रधानमंत्री अपने कर्मों के कारण ही समाप्त हो जाएगी होती जा रही है। दूसरी बात, आप इतनी बात करते हैं इनके प्रोपेगेंडा को नकारने का काम किया है, आप ही वो पार्टी है, आप बात करेंगे कोर्ट में, आप ही बात करेंगे, अगर आप सिर्फ बात करेंगे और एक तरफा बात करेंगे तो इसी प्रकार से जनता आपको जवाब देगी, आपको जवाब देगी, आप जनता से परेशान है, आप जनता के जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, यह बात आप तानाशाही करेंगे, आप पहली बार तानाशाही करेंगे, आपको ये चीज की जानकारी नहीं। मैं कहता था कि जीतेंगे तो आपके राहुल गांधी जीतेंगे, आप हारेंगे तो ईवीएम खराब है, कर्नाटक में कौन हारा, कर्नाटक में कौन हारा, मोदी जी हारे, योगी जी हारे कि अमित शाह हारे कि नड्डा जी हारे, संख्या बहुत है। मैं आपसे चुनौती लेकर पूछता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जीत है, स्वीकार करिए उत्तर प्रदेश और लगातार ऐसे आप हारते रहेंगे। आपने जो लाइन पकड़ी है आप लगातार आप अपने सीट पे चल रहे हैं, आप लगातार हारेंगे, आवाज और अगर आप लगातार हारते रहेंगे आप जनता को पार्टी आज जनता को किनारे है, हिंदू मुस्लिम क्षेत्रवाद जातिवाद भाषावाद संप्रदायवाद ये जनता उकता गई है। और आपको बता दूं आज यह समय नहीं है, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या देश का सबसे बड़ा सूबा है। आप जनता जनार्दन पे प्रश्न उंगली उठाते हैं, एक हमारे प्रवक्ता बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनता जनार्दन की समझदारी विश्वास करते हैं। अच्छा। अरे ये आंकड़े देख लीजिए, चाहे नगर निगम हो नगर पालिका हो नगर परिषद हो, और आप कर्नाटक की बात कर रहे थे हिंदू मुस्लिम, यही हिंदू मुस्लिम और आप, अरे प्रवक्ता नहीं पत्रकार है भाई, पत्रकार है ना, पत्रकार ने जो देश तोड़ने के बहुत असफल प्रयोग किए और अब जनता जनार्दन भारतवर्ष का 135 करोड़ जनता देशबंधु भाई, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता देशबंधु भाई, आमिर साबरी पे क्या बोलेंगे? बहुत धैर्य पूर्वक सुना मुझे, एक सेकंड मैं पूरा करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश तोड़ने की बात करेंगे, आपको विकसित है अपना इलाज आपने उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देकर यह बता दिया कि आप जैसी विक्षिप्त मानसिकता के लोग टीवी चैनल पर खाली छाने पाने के लिए आते हैं, जनता जनार्दन से आपका कोई सरोकार नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, जनता सबका साथ सबका विकास के नारे पर आगे बढ़ गई है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार लोकप्रिय नेता अपनी जनता जनार्दन की यह जीत है, और आज आपको आभार करना चाहिए, और आप ये चुनाव होते हैं इन्हीं के देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे पंचायती राज की व्यवस्था की कल्पना उन्होंने की थी और कहते थे एक रुपया दिया जाता है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, बाकी सामान भी है, मंथन करिए ठीक है हो गया, वरना ये हार का ठीकरा आपको मानसिक विक्षिप्त कर देगा, उत्तर प्रदेश की जनता। अरे वो तो अरे वो तो भाई, और मैं आज वो तो पत्रकार है भाई, आपके सभी समस्त मीडिया बंधु, अरे पत्रकार है भाई, शासन को आपको बुरा क्यों लगे देशबंधु भाई, भाजपा कार्यकर्ताओं को देशबंधु भाई, समस्त उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद देके हमें ये त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय चुनाव में विजयशील की ओर बढ़ाई। अच्छा
उत्तर प्रदेश जनता को धन्यवाद, और कर्नाटक की जनता को क्या बोलेंगे? कर्नाटक की जनता, मैंने कहा उत्तर प्रदेश और भारत और कर्नाटक की जनता को भी कोटि, वहां भी देखिएगा परिणाम 4 बजे तक आएंगे। गौरव भाई हम भी वहां टक्कर दे रहे हैं, ये बहुत बार बार बोले चैनल पे कांग्रेस वाले सपा के बसपा के, हमारे प्रधानमंत्री हमारे गृह मंत्री अमित शाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक हो गया की मेहनत हो गया हो गया पीछे चल रहा है, लेकिन टक्कर हम दे रहे हैं। अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, मैं बैठा हूँ कहीं गया नहीं हूँ, मैं वहाँ के लिए भी बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज शाम को फिर चर्चा होगी, बड़ी चर्चा होगी, शाम को फिर बड़ी चर्चा होगी। ठीक है हो गया। रविंद्र भाई आपने सबकी बातें सुनी और बीर भाई की बात भी सुनी, कहीं ना कहीं कमी तो यहाँ रह गई है। कारण किसी को नहीं पता है, कारण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो स्वार में जो मैंने बात कही बाघोवर की, उस बाघोवर की बात यहाँ पर आमिर साबरी ने भी स्पष्ट की कि स्वार में बिल्कुल बाघोवर दिया गया। खैर यहाँ स्वार की और 96 सीट की बात ना करके हम निकाय चुनाव की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान आने वाले समय में आपके लिए घातक भी सिद्ध होगा। क्या राय आपकी? पहले कह चुका हूँ जी कि जो परिणाम है वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। धीरे धीरे हम जो नगर पालिका और नगर पंचायत के पुराने परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं जी। इसमें अफवाह फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, देशबंधु जी ने बोल दिया मैंने कर्नाटक पे बोला, अरे वाह, एक शब्द भी नहीं बोला मैंने। आप ये शब्द बोलिए, किस बात की अफवाह है जी? आपको मैंने एक शब्द भी नहीं बोला जी। चैनल पे शब्दों का चयन करते हुए मर्यादा रखिए, किस प्रकार की अफवाह है? ये अफवाह है, ये चुनाव परिणाम के नतीजे, आप लोकतंत्र पे बैठे हैं, एक नेशनल चैनल पे बैठे हैं, अफवाह है। अरे ये जनता जनार्दन का अपमान करिए, आप ऐसी मानसिकता से मत बोलिए। आज आभार व्यक्त करना चाहिए जनता जनार्दन को, हमें उन्होंने मतदान किया और लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार चुनी, तो आप अफवाह कह रहे हैं। कोई कुआं कह रहा, कोई आवाज उठा रहा, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई जय बजरंग बली। अरे भैया श्री राम का मंदिर बन रहा है, आप परेशान ना हो, ये अफवाह नहीं, ये सत्य है। अच्छा बोल लीजिए रविंद्र भाई, बोल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के देश बंधु गुप्ता जी ने, जिनको बोलने से फुर्सत नहीं है, इनको ज्यादा बोलना हो तो इनको क्या करिए, नाम उच्चारण नहीं कर पाए, इनको पूरा समय दे दिए बोलिए। आप ये बात करिए ना, और यहाँ और ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैंने बीच में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मैं अपने अपने चरित्र के अनुसार जी बोलिए। लेकिन इन्होंने बोला, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, कि मैंने कर्नाटक के बारे में बोला जी, कर्नाटक वो भी सुनने की फुर्सत नहीं है। नहीं आप बात कि मैंने कर्नाटक के बारे में बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला, बोलिए बोलिए, बिल्कुल नहीं बोला कर्नाटक के बारे में। की आवाज दबाने में इनको दी जाती है, इस प्रकार की अफवाह फैलाते हैं ये लोग। आपकी आवाज आई नहीं, ये सबकी आवाज को दबा के जबरदस्ती बात करना चाहते हैं। कौन था आवाज, किसकी नहीं निकली? 2014 से 2014 की तरह घोटाले पे घोटाले होते गए, मुझे लगता है देश बंधु जी को दे दीजिए बोलने के लिए, बीमार हो जाएंगे घर जाते जाते। बोले सभी लोग स्वस्थ रहे, देश बंधु जी बोलिए जी, बोलिए रविंद्र भाई, आप जो कुछ बचा हो अंदर गुबार वो भी निकाल लीजिए। कोई गुबार नहीं, बोलिए बोलिए रविंद्र भाई, बोलिए जी। तो मैंने कर्नाटक में बिल्कुल एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला जी। और देश बंधु जी ने अफवाह फैलाई कि मैं कर्नाटक में बोल रहा हूँ जी, उसके बाद मैं जो रिपीट कर रहा हूँ कर्नाटक में नहीं बोला जी, तब भी सुनने की फुर्सत नहीं है जी।
इतना मदांत नहीं होना चाहिए। अभी इनकी इंडिया इंडिया शाइनिंग जी बोलिए, 2004 में पूरी इंडिया को शाइनिंग करके गायब हो गए थे ये लोग। अच्छा, इसलिए सभी को मौका देना चाहिए और किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि आदरणीय वाजपेयी जी की जमानत जब्त हो चुकी है जी, आदरणीय लाल किशन आडवाणी साहब की जमानत जब्त हो चुकी है जी, तो इसलिए आप इतना उग्र होके मत आ जाइए जी कि लोकतंत्र की मर्यादा भी हनन होने लग जाए। ठीक है, और मैंने मैंने टाइम से नोट किया है जी, इन्होंने 44 मिनट बोला है। अरे लीजिए, 44 मिनट बोला है, ये क्या मर्यादा है? क्या ये मर्यादा सिखाएंगे? हम आज आप चुनाव हार गए थे कन्नौज का, अरे और उसका क्या नाम है, खतौली का। अरे आप खतौली का बात कर, तो क्या हम ऐसे पागल हो गए थे क्या? आप वर्तमान की बात करिए, आज के रमीन भाई ये पागल हो गए, हार गए, ये कहने जाते हैं आप? क्या इनको बोलने दीजिए, अगर इनको बोलने का रोग है इनको बोलने दीजिए, या तो इनको एक दिन बुला लीजिए, पूरा दिन माइक दे दीजिए, उसका स्पॉन्सर हम करवा देंगे। लेकिन इनकी बढ़ावा दिखाई जाए पूरी का पूरी, आपको जरूरत नहीं है, आप अफवाह और खाई या कुएं में ही पड़े रहिए, आपको ये आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन आपको बोलने का मौका दे रही है, 5 साल आप मंथन करिए और आपको माइक देना है, आपको अफवाह फैलानी है, कुआं खाई खोलना है, घंटे बोल लीजिए आप कितने ना के रोगी है बोलने के। ठीक है, रोगी है इनको दे दीजिए बोले। ठीक है, बेर भाई आप कुछ, आपके भी रोगी है या आज मुझे लगता है कि मदान दो में से एक चीज है। नहीं नहीं, आप मानसिक विक्षिप्त हैं, देखिए हताशा और निराशा से आदमी कुछ भी बकने लगता है, और आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं, थोड़ा मर्यादा रखिए। हताशा मर्यादा आपकी व्यक्तिगत रूप से है, व्यक्तिगत रूप से बोलना मत। नहीं नहीं, व्यक्तिगत रूप से बोल रहा नहीं था मैं, नहीं नहीं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, मानसिक विक्षिप्त से चैनल पे नहीं नहीं जैसे और ऐसे चैनल पे केवल छद्म प्रसिद्धि के लिए आते हैं और छोटी सी मानसिकता लेके ऐसे नहीं बैठा जाता है। आप बैठे मानसिक बना के बोलिए, व्यक्तिगत आएंगे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहिए, मानसिक संतुलन बना के बोलना चाहिए, जरा मानसिक संतुलन बढ़ा के बोलना चाहिए। चैनल शुभ है, इलाज कराइए, चैनल पर बैठे हैं आप, उसके बाद मत करेंगे ना, सही नहीं होगा, मानसिक इलाज कराइए, मानसिक इलाज कराने की जरूरत है, इलाज कराइए, चैनल पे मत आइए, इलाज है कर्नाटक तेरा इलाज हो जाएगा और बहुत जल्दी होने जा रहा है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, तेरी व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ। तू मानसिक रूप से विक्षिप्त है, 40 मिनट से बोल के भी तेरे सक्षम नहीं आया। ठीक है, हो गया, व्यक्तिगत हो गया, इज्जत करनी नहीं आती है, खराब शब्दों का उपयोग करता है। रमन भाई प्लीज, यही अपने अपने पार्टी का, अपने पार्टी का यही बता रहा है कि हम ऐसे पार्टी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई आप लोग बोल लीजिए, और मेहमान भी है, और मैंने और मेहमान भी है भाई, एक आवाज और दीजिए, दोनों के आवाज और दीजिए, करने की अखाड़ा नहीं है, अखाड़ा नहीं है, हमारी वाणी में विराम नहीं है, ऐसे पागलों को लेके आएंगे, ऐसा नहीं है, चैनल पे भी क्वेश्चन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी पे क्वेश्चन लगेगा, ये वही मौला आपकी भाषा शैली बता रही है, आपकी भाषा शैली बता रही है कि आप किस श्रेणी के पागल, मेरी भाषा शैली बता रही है। अरे भाई सही बात है, आप साथ में आप भाषा शैली बता रहे हैं, दमन भाई प्लीज, तेरी भाषा शैली बता रही है, अपनी बात पूरी करिए, तेरे 44 मिनट दमन भाई हमारे दे रहे हैं आपको, आपकी भाषा शैली बता रही है, दमन भाई, रमन भाई प्लीज, मानसिक संतुलन तेरी भाषा शैली बता रही है, रमन भाई हो गया, पूरा रिकॉर्डिंग उठा के देख लिया जाए, हो गया रिकॉर्डिंग का लगेगा ये पागल आपको, रमन भाई हो गया, हो गया, हो गया, बेर भाई अपनी बात पूरी, बेर भाई बोलिए,
क्यों बुलाते हैं? मैं तो हस्तक्षेप नहीं करता हूँ किसी मामले में जी, और एक आदमी को गौरव भाई अगर आप हस्तक्षेप करने देंगे तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा जैसा आज हुआ। ठीक है प्लीज प्लीज मेरे भाई अपनी बात पूरी करिए। और ऐसे ऐसे आदमियों को बुला के जब मेरी आदत है मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, इसलिए चार बार हस्तक्षेप किया, आपको रोकना चाहिए था। मैं पिछले 40 मिनट से सुन ही रहा था। ठीक है जसवंत भाई प्लीज मेरे भाई अपनी बात पूरी करिए। आखिरी पॉइंट मिश्रा जी अब आप बोल सकते हैं। बेप्रकाश मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए जी। बेप्रकाश मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए जी। शायद मेरे भाई की बात मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है ठीक है तो आमिर भाई आखिरी कमेंट आपका ले लेता हूं। आमिर भाई आखिरी कमेंट आपका ले लेता हूं। जी देखिए गौरव जी, जो जनता ने जिसको भी जो सम्मान दिया है जी, इसका सारे नेताओं को स्वागत करना चाहिए जी, और आगे कहां पर क्या कमी रह गई है इसकी समीक्षा करनी चाहिए जी। और ये तो आप भी जान रहे हैं और सारा प्रदेश जान रहा है कि दो पार्टियां मैदान में उतरी ही नहीं, चुनाव सिर्फ सपा और भाजपा के बीच होकर के रह गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और यही कारण था कि जो हमें लगता था कि जिस तरीके से नतीजे आएंगे जी, वो नतीजे सामने नहीं आए जी। और सिर्फ नतीजे आप देख रहे हैं कि भाजपा 285 और सपा 123 और बसपा 59, ये इसका मतलब सीधा सीधा सिर्फ यही है कि जनता। और इस बार सबसे बड़ा कारण गौरव जी अभी रहा जी, कि तमाम जिलों से शिकायत मेरे पास भी और मुझे लगता है कि आपके पास भी होगी कि वोट बहुत सारे लोग डाल नहीं पाए, बहुत सारे लोगों के वोट कटे हुए थे, पूरी पूरी लिस्टें गायब थी। एक ये अफवाह थी कि खाली आधार कार्ड ले जाइएगा वोट पड़ जाएंगे, तमाम लोग आधार जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अमीर भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 प्रूफ आईडी प्रूफ चुनाव में चलते हैं, 17 की लिस्ट चुनाव आयोग देता है और तमाम उसमें ऐसे प्रूफ होते हैं जो आपके घर मुहैया होते हैं, उसके बावजूद पर्ची लेकिन कहीं नहीं माने पुलिस ने, दौड़ा दौड़ा दिया। सच बात यह गौरव जी, मैं तो 2-3 जिलों की तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। मैं तो डिबेट भी किया उस बार में, मैं डिबेट भी किया हूँ, पर्ची की अनिवार्यता क्यों भाई, मैं तो डिबेट भी किया हूँ। ठीक है बेप्रकाश मिश्रा अपनी आखिरी कमेंट दे दीजिए जी। बेर भाई बेर आप मेरी आवाज आ रही है जी। बेर भाई आखिरी कमेंट, शायद बेर भाई से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, उस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और यहाँ पर चर्चाएं स्वस्थ नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पर चर्चा के दौरान लोगों ने मर्यादा लांग दी। खैर लोकतंत्र में मर्यादा लांगना नई बात नहीं है, फिलहाल भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था चल रही है कि हम जनता के मुद्दों से ज्यादा अपनी निजी व्यवस्था को ज्यादा गौर करते हैं। सम्मान डिबेट में रखना चाहिए और सम्मान सभ्यता का, सम्मान शब्दों का और सम्मान आदमीयता का रखना चाहिए। यहाँ सभी जो प्रवक्ता है वो सभी अपनी भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर पार्टी को रिप्रेजेंट करने के दौरान अपनी अनिवार्यता को, अपनी व्यवस्था को और अपनी शालीनता को भूलना नहीं चाहिए। सबकी अपनी गरिमा है, सबका अपना सम्मान है और जब सम्मान के साथ डिबेट करेंगे तो शायद डिबेट का कोई सार्थक परिणाम भी निकलेगा। डिबेट का माध्यम केवल चर्चा करना नहीं होता, बल्कि डिबेट का माध्यम होता है एक सार्थक परिणाम निकालना। यहाँ पर दोपहर हो चुके हैं, दोपहर तक तमाम जगह के परिणाम स्पष्ट हो चुके हैं, उन परिणामों में स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी यहाँ पर लाभ में रही तो अन्य पार्टी को यहाँ नुकसान हुआ है। कर्नाटक का में नुकसान बीजेपी के लिए हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहत और खुशी और हार के बीच में अपने आप को शालीन बनाए रखना और सभ्यता से अपनी बात रखना भी जरूरी है। उम्मीद कह सकती है कि आने वाले समय में जो भी चैनल डिबेट करे या जहां भी डिबेट हो, कम से कम सभ्यता और मर्यादा को पूरा करके ही डिबेट की जाए, तभी बेहतर परिणाम सामने आएंगे। किसी पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, किसी को हृदय लगाना उतना ही कठिन। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।